पूर्व कृषि मंत्री और कसरावत विधायक सचिन यादव ने आज कसरावत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सभागृह में रोगी कल्याण समिति की बैठक की। बैठक में अधिकारियों को कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कसरावत SDM संघ प्रिय भी उपस्थित रहे। विधायक सचिन यादव ने अधिकारियों से कहा कि उपचार में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना के तीसरे बूस्टर डोज एवं 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को लगने वाली वैक्सीन कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र वासियों से अपील की कि वे मास्क पहने बिना नहीं घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस अवसर पर विधायक यादव ने कोविड सेंटर की बाउंड्री वॉल और पेवर निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया, साथ ही कोविड सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया। पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायक निधि से दिए गए उपकरण के माध्यम से मरीजों का बेहतर से बेहतर उपचार करें। यदि उपचार में आवश्यकता पड़ी तो विधायक निधि से दवाइयां खरीदने हेतु सहायता की जाएगी। कार्यक्रम के उपरांत विधायक श्री सचिन यादव बाउंड्री वॉल पर पहुंचे तथा खिलाड़ियों के साथ वाली बॉल पर अपने हाथ आजमाए। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, आज रोगी कल्याण समिति की बैठक थी, किन विषयों पर चर्चा हुई? देखिए, रोगी कल्याण की बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज उसका आयोजन किया गया था और उसका मूल उद्देश्य अभी जिस प्रकार से जो कोरोना महामारी हमारे पूरे प्रदेश और देश में फैल रही है उसके पुख्ता इंतज़ाम हम हमारे कसरावत विधानसभा में करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया था। और जिस प्रकार से हमारी पूरी टीम ने पिछले कोविड काल में सभी साथियों के सहयोग से सबकी पूरे क्षेत्र की जनता के सहयोग और मदद से इस कोरोना महामारी से निपटने का काम किया था, उसी प्रकार से हम लोग हमारी तैयारी है और ईश्वर ने चाहा तो इस बार हम लोग और हमारे तमाम जो हमारी जो टीम है वो टीम मिलकर के हमारे जो प्रयास हम लोगों ने पिछली बार हमने जो निर्णय और फैसले हम लोगों ने लिए थे और जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमने पिछले कोविड काल में हमारे कसरावत वासियों को देने का काम किया था उससे हम लोग को उम्मीद है कि हम अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर सेवाएं हमारे कसरावत विधानसभा क्षेत्र के साथियों को मरीजों को हम लोग दे सकें। निश्चित रूप से जो सुविधाएं हैं वो तो काफ़ी कुछ है, लेकिन बार बार एक ही मांग उठती रहती है कि डॉक्टर्स की कमी, तो उसके लेकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई या कुछ? निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हम लोग और हमारे प्रशासन में बैठे हुए हमारे सभी लोग लगातार शासन को इस कमी को लेकर के हम लोग अवगत करा रहे हैं। हम लोग मैंने भी जो है पत्र लिख करके ये जो डॉक्टर्स की कमी है और डॉक्टर्स के अलावा और भी जो हमारा स्टाफ है, स्टाफ की जहाँ जहाँ कमी है उसको लेकर के हमने शासन को अवगत कराया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी मांग को देखते हुए और कसरावत के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इनकी नियुक्तियां जल्द से जल्द हो, ऐसा प्रयास हम सब साथी मिलकर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।